मुंबई में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम छात्रों के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, वो आकर के बताएं कि आखिर हमारे निर्णय में कहां कमी हुई है। अब देखना होगा कि वर्षा गायकवाड़ के इस आह्वान पर छात्र क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मैं यही कहूँगी कि मैंने अभी उनके बहुत से चैनल से बात की, उनको मैंने वही कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, बच्चों के हित की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन और शिक्षा की बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे माना है कि मैं आता हूँ आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आज बच्चे हमारे बहुत सारे जो है वो स्ट्रेस में है, एक कुछ कुछ ना कुछ समरा का वातावरण भी इससे पैदा होता है। तो मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, आपके मन को शांत रखें, और सरकार पूरी तरह से ये जानती है, पूरी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आपकी सुरक्षा भी हो, आपका आरोग्य भी रहे, और साथ ही साथ में आपकी शिक्षण और आपका एजुकेशन कंटिन्यू रखें। इसके लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से, संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है, और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी, हमारे यहाँ पे आदिवासी है, मेरे गाँव है, दुर्गम जगह पे घर है लोगों के, और ऐसे समय में एक बैंक पेपर होता है, जैसा हम भी जानते हैं, 2 साल से हम भी एजुकेशन में जब से काम कर रहे हैं तब से हमको पता है कि कोविड आने से बहुत सी परिस्थितियाँ बदल गई है, बच्चे के अंदर अलग से टेंशन हो गया, क्योंकि उनको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, कोविड से और दूसरी जगह पे पढ़ाई के लिए। इसीलिए हमने बहुत से निर्णय लेते वक्त ये सोचा कि बच्चों को लिखने के लिए कोई तकलीफ हो रही है क्या, तो उनको टाइम बढ़ा के दे पर एग्ज़ाम के लिए, अगर बच्चों को स्कूल जाने की असुविधा नहीं हो, इसीलिए हमने उन्हीं स्कूल में सोच रहे हम लोग की एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिकल में हम लोग क्या चीज़ें करें ताकि बच्चों को उसमें आसानी हो। तो हमारी लगातार एक्सपर्टी से चर्चा चलती है, लोकल बॉडी से चर्चा चलती है, हमारे वहाँ के शिक्षण अधिकारी से चर्चा चलती है कि मॉनिटरिंग करें हम पूरी परिस्थितियों की, क्योंकि हमने शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसीलिए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। आज का जो मोर्चा हुआ इसके लिए भी मैंने उनके संगठन के प्रमुख जी से बात की और उनको कहा कि आप हमसे आइए, आपकी जो भी सूचना है उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा, क्योंकि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा है, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये भी सोच है कि जो पिछला 2 साल का बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करें, ये एग्जामिनेशन के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जल्दी लें, और बच्चों का 11वीं का एडमिशन और 13 का एडमिशन टाइम से हो, ताकि बच्चों का अगला साल मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग शुरू होने का प्रैक्टिस होता है, और उसको छपने के लिए, उसको फिट करने के लिए हमारा प्रोसीजर 3 महीने से पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि हमको गांव के खड़े तक वो पेपर पड़ता है। इसीलिए हर चीज़ को सोच के, हर चीज़ का पढ़ाई करके कोई भी निर्णय, हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मुख्याध्यापक से बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, लोकल बॉडी से बात कर रहे हैं, ताकि उनकी सुविधाएं क्या, उनको क्या हो सकता है, तो हमें उसमें कोई सजेशन होगा। जैसे मैंने कहा कि हम हर टाइम मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, उसमें अगर हमें कुछ लग रहा है तो आने वाले दिनों में हमसे आके जुड़ता है। मेरा उनसे बात हो गया तो आंदोलन इसका सवाल ही नहीं, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से हमारा 10 उतरने से पहले बात हुआ था TV9 के माध्यम से, तो जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हम आपसे आके कल आके बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आपके 2-3 चैनल के माध्यम से मुझे वो सामने सामने आके बात की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे बात करने के बाद आंदोलन शांत होना चाहिए, बच्चों को भी घर जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए।